अस्सलाम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन स्टेक्स, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में, जिसे हम बहुत ही आसानी के साथ स्टेप बाय स्टेप तैयार करेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है चिकन बोनलेस और इसकी इस तरह से सेंटर से इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग हो गई है और बाकी सभी पीसेस की भी हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। और अब हम इन पीसेस को फ्लैट करेंगे। अगर आपके पास मीट हैमर ना हो तो आप बेलन के ज़रिए भी ये स्टेप कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम स्टेक्स को मैरिनेट करने के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए लेंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर, अगर पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप लाल मिर्च ऐड कर लें, 1 टेबल स्पून लीमू का रस और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून वाइट पेपर और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इस मसाले में तमाम चिकन पीसेस को अच्छे से मैरिनेट करेंगे। मसाला सभी पीसेस पर अच्छे से लग गया है और अब हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। और अब हम चिप्स फ्राई करेंगे। यहाँ पर 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इनको धोकर अच्छे से इस तरह से लंबाई में काट लिया है और अब हम इनको फ्राई करेंगे। चिप्स फ्राई हो गए हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे। और अब हम बनाएंगे वाइट सॉस। तो इसके लिए यहाँ पर 1 कप में मैंने लिया है गरम पानी और इसमें डाली है 1 अदद चिकन क्यूब और इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। और ये हमारी इंस्टेंट यखनी रेडी है। वाइट सॉस बनाने के लिए हमने सबसे पहले पैन में डालना है 2 टेबल स्पून बटर और इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। मक्खन हमारा मेल्ट हो गया है और अब हम इसमें बिल्कुल छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसको हमने तकरीबन 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है, गोल्डन या ब्राउनिंग करेंगे इसे। और अब हम इसमें 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और अब हम इसमें इंस्टेंट यखनी डालेंगे। आप इसकी जगह चिकन बॉईल करके उसकी यखनी भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑल पर्पस क्रीम यूज़ की है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/4 टीस्पून नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड करिएगा। और साथ ही हमने इसमें थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये थिक ना हो जाए। सॉस हमारी रेडी है और ये अच्छे से देखें थिक भी हो गई है। और अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको एक साइड पर रखना है, तब तक हम चिकन को ग्रिल करेंगे। तो चिकन को भी तकरीबन 1/2 घंटा हो गया है मैरिनेट हुए। और अब हमने यहाँ पर लेना है 1 ग्रिल पैन और इसमें हम तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालेंगे और एक एक करके चिकन स्टेक्स को हम इसके अंदर रखेंगे। पहले 2 मिनट हमने इनको हाई फ्लेम पर पकाना है और 2 मिनट के बाद हमने इनकी साइड को टर्न करना है और उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर ये चिकन स्टेक्स पककर बिल्कुल रेडी होंगे। इस दौरान हम इनकी साइड्स को थोड़ी देर के बाद चेंज करते रहेंगे ताकि ये दोनों साइड से इक्वली पक जाएं। अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो आप तवे पर भी इनको पका सकते हैं। तो चलिए चिकन स्टेक्स हमारे रेडी हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे। और इसी तरह से जो लास्ट पीस रह गया है उसको भी हम ग्रिल कर लेंगे। तो चलिए ये हमारे सभी पीसेस ग्रिल हो चुके हैं और अब हम सब्जियों को फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने ली है थोड़ी सी फूल गोभी और थोड़े से मटर, इनको पहले ही बॉईल कर लिया था। और 1 शिमला मिर्च ली है, उसको इस तरह से लंबाई में काट लिया है। और ये खीरे हैं, खीरे के छिलके, उनको इस तरह से कट कर लिया है। और ये गाजरें हैं, उनको भी इस तरह से लंबाई में काट लिया है। और अब हमने ली है कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल और इसमें इन तमाम वेजिटेबल्स को डालेंगे और फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और साथ ही हम इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर
और 1/4 teaspoon नमक ऐड करेंगे। आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सब्जियां भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं और अब हमने फ्लेम को कर देना है ऑफ और इन सब्जियों को अलग से निकाल कर साइड पर रख देंगे। और अब यहाँ पर लिया है सिजलिंग पैन, इसको हम अच्छे से गर्म करेंगे। इसको जितना अच्छे से गर्म कर सकते हैं उतना ही अच्छा हम इसे गर्म करेंगे। तो चलें ये गर्म हो चुका है और अब हम इसको नीचे रख देंगे और इसमें हम डालेंगे फ्राइज, सब्जियाँ स्टेक्स रखेंगे और अब हम इसमें व्हाइट सॉस डालेंगे। तो चलिए चिकन स्टिक्स रेडी हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।